अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, बेशक अल्लाह के वली मुत्तकी होते हैं और अल्लाह के वली की शान हम लोग देखते रहते हैं। अल्लाह के वली की शान और कुदरत देख करके ना जाने कितने लोग ईमान ले आए, ना जाने कितने लोग मजहब इस्लाम में दाखिल हो गए, ना जाने कितने लोगों की जिंदगियां बदल गई। आपको बता दें कि अल्लाह के वली की शान हम अक्सर देखते रहते हैं, उनकी शान और कुदरत देखते रहते हैं। एक मरतबा का वाकया है कि एक मरतबा एक अल्लाह के वली, जो कि अभी काफ़ी छोटी उम्र थी और बच्चों के साथ खेल रहे थे, अचानक यूँ होता है कि आप बच्चों के साथ खेलते खेलते काफ़ी दूर चले जाते हैं। वहाँ पर देखते हैं कि एक जनाजा रखा हुआ है और काफ़ी तादाद में लोग यहाँ और वहाँ खड़े हुए हैं। तो आप भी वहीं पर पहुंच जाते हैं और एक शख्स से अर्ज करते हैं कि आखिरकार क्या माजरा है, लोग इतनी तादाद में यहाँ पर क्यों खड़े हैं। तो उसमें से एक शख्स जवाब देते हैं कि इस शख्स का इंतकाल हो गया है और हम लोग इनकी नमाज जनाजा के लिए अभी यहाँ पर खड़े हैं। कुछ देर के बाद इनको कब्र में दफना दिया जाएगा, यानी कि इनकी तदफीन की जाएगी। इतना सुनना था कि आपने कहा ठीक है और आप कुछ देर वहाँ पर खामोश खड़े रहे। उसके बाद आपने इस्तग़फ़ार करना शुरू कर दिया, लिहाजा आप ये माजरा अपनी आंखों से देख रहे थे कि आखिरकार इतने लोग वहाँ पर क्यों खड़े हैं। लेकिन कोई भी शख्स आपको नहीं जानता था, आपको नहीं पहचानता था, क्योंकि आपकी उम्र जो है काफ़ी ज़्यादा कम। उसके बाद आपने कुन बिइज़्निल्लाह कहा, इतना कहना था कि वो मुर्दा चारपाई से उठ करके खड़ा हो गया। वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनका ठिकाना ना रहा कि आखिरकार ये क्या मामला हुआ, क्या मामला पेश आया है। जिस शख्स का इंतकाल हो गया था वो शख्स एकदम अचानक से किस तरह उठ करके खड़ा हो गया। इतना होना था कि वो शख्स उठ करके अपने घर की तरफ चलने लगा। आप जानते हैं इनका नाम क्या था? इनका नाम था हजरत सैयद जलालुद्दीन आजा शाह मुनीरी। ये बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। तो देखा किस तरह से एक शख्स जो कि इंतकाल हो चुका था, उसको कब्र में दफन करने ही वाले थे कि अचानक उन्होंने कहा कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के करम से ये मुर्दे जिंदा हो जाओ, और वो मुर्दा जिंदा हो जाता है और उसके बाद अपने घर की तरफ चलने लगता है। लेकिन ये माजरा जब आपके वालिद मोहतरम को मालूम होता है तो वो आपको बुलाते हैं और आपको समझाते हैं कि बेटे इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए। तो मेरे अजीज दोस्तों साथियों, यह है अल्लाह के वली की शान कि जब उनकी छोटी सी उम्र थी तो यह आलम था, आखिरकार जब उनकी जवानी रही होगी तो क्या रहा होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान और कुदरत से कोई भी हर शख्स वाकिफ है, कोई भी ना वाकिफ नहीं है। तो मेरे दोस्तों साथियों, आप लोगों को भी चाहिए कि नमाज की पाबंदी करें, क्योंकि नमाज भी हर अक्ल और बालिग पर फर्ज है अपने मुकर्रा वक्तों पर। उसके बाद तमाम ही तरह के काम करते रहें जो कि आप लोगों को बताए चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल खोल करके शेयर करते रहें मेरे अजीज दोस्तों और साथियों।